अब ये तय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। हम शिक्षा क्यों देते हैं अपने बच्चों को? हम शिक्षा देते हैं तीन कारणों से, और अब वो तीनों लक्ष्य, ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, ये तीन लक्ष्य पूरे करेगा। पहला लक्ष्य, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हों। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों, ऐसे बच्चे हमारी शिक्षा तैयार करेगी। अब दूसरा लक्ष्य, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, ये सारी दीवारें तोड़ के एक दूसरे को इंसान समझना है और अपना जीवन एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए वो करना है, दूसरे अपने परिवार को पालना है, दूसरी तरफ अपने समाज को और दूसरे इंसानों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना है, ऐसे बच्चे बोर्ड तैयार करेगा। और तीसरा, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी डिग्री पीएचडी करने के बाद, बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें ना खानी पड़े, उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए, ऐसी शिक्षा तैयार की जाएगी। इसलिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ऐसे ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसा शिक्षा का कंटेंट तैयार करने के लिए, और प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए। आज हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र रटने पे जोर देता है, रटो और साल के अंत में 3 घंटे के पेपर के अंदर उलट के आ जाओ। ये बदलना पड़ेगा, अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा, उस बच्चे का असेसमेंट लगातार पूरा साल चलेगा। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा, और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बच्चे को तैयार किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी, हर इंसान स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है, ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की उस स्पेशलिटी को निकाल के उसकी किस चीज में रुचि है और उसे किस चीज की जरूरत है, उसका कैरियर किस चीज में होना चाहिए और उसे कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, ये शिक्षा प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाया जाएगा। दिल्ली में 1000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं, मोस्टली सरकारी स्कूल तो सभी सीबीएसई के, सरकारी स्कूल सारे सीबीएसई के हैं, और 1700 जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मोस्टली सीबीएसई के हैं। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को
हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें CBSE से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी।